हाउस के अंदर ज़्यादा घूमना ठीक भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनको नुकसान भी हो सकता है। और उसमें खाद बीज हर चीज़ बोने का भी मैं खुद काम करती हूँ। जब हमने एप्पल का मिशन लगाया 4 साल हो गए, 2-3 साल से वो फल दे रहा है और हमें आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ललित सनवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पहाड़ी विरासत में और देवभूमि के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। चलिए दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक नई सी जगह में और नई सी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं और यहीं पर सौपखाल में है एक दवाई की फैक्ट्री, तो वहीं पर हम जाने के अभी मूड में हैं। तो 1 बजे के आसपास छुट्टी हो गई थी, लगभग 3:30 बजे का अभी टाइम हो रहा है। तो मेरे साथ चल रहे हैं हमारे विद्यालय के शिक्षक हैं नेगी जी। तो मैं और नेगी जी आज जा रहे हैं सौपखाल, तो आपको सौपखाल दवाई फैक्ट्री दिखाते हैं किस तरह से वहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं और क्या क्या होता है, वहाँ पर जाके ही पता चलेगा। चले नेगी जी, कुछ कहना चाहोगे? बढ़िया, आज ड्रग फैक्ट्री देखने जा रहे हैं। हाँ। वहाँ पे जो चले जी, पहुँच चुके हैं सौपखाल में और यहाँ सामने दिख रहा है आपको स्टोर रूम जो उसी फैक्ट्री का है। चले जी, फाइनली पहुँच चुके हैं हम सौपखाल के जो ड्रग फैक्ट्री है वहाँ पे, और देखिए काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पे है और सामने यहाँ पर एक भव्य सा मंदिर भी यहाँ पर बना रखा है और देखिए बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच में और गधेरे के किनारे यह फैक्ट्री बनी हुई है। चले जी, फिलहाल हम यहाँ घूम के तो आ चुके हैं ड्रग फैक्ट्री में, लेकिन यहाँ पर अंदर जाना जो था वो परमिशन लेनी पड़ती है और हमें इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन और वीडियोग्राफी भी अंदर अलाउड नहीं थी। तो आपको थोड़ी जो जानकारी थी हमने उनसे ली है वो आपको हम बता दें। और यहाँ पे जो स्टाफ है लगभग 80% जो है यही लोकल का स्टाफ है और लगभग 150 के आसपास लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पर रोज़गार भी उपलब्ध कराया गया है, जो कि पहाड़ों के लिए बहुत अच्छी पहल भी है। और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है जो है वो बाहर से ही ज़्यादातर आता है और यहाँ का जो स्थानीय हल्का फुल्का जो है रॉ मटेरियल वो यहाँ से हल्का फुल्का ही लिया जाता है। और लिंक जो है इसका हेड ऑफिस वो दिल्ली में है, बाकी ज़्यादा जानकारी मेरे को इस क्षेत्र में नहीं है। नेगी जी से बातचीत करते हैं, वो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। सामने आप देख रहे हैं अम्बे फाइटो एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये एक जो है आयुर्वेदिक दवाई की फैक्ट्री है, अम्बे फाइटो एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, और जो कि बिरोखाल ब्लॉक में आता है और प्रॉपर इस जगह का नाम है सौपखाल। और आप ठीक मेरे पीछे से देख रहे हैं, ये बॉयलर प्लांट है जिसको हम हमारी पहाड़ी भाषा में भट्टी कह सकते हैं, भट्टी। और इसकी एक मतलब इसकी खूबी यह है, इसकी एक विशेष पहचान यह है कि यहाँ पर जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो केवल लकड़ियों का है, यानी कि जो हमारे जो चीड़ की लकड़ी है या तमाम जो इस तरीके से, और वन विभाग से जो है ये लकड़ी पूरी प्रोवाइड यहाँ पे होती है, जिसका कि किसी भी प्रकार से कोई पॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान जिंक के स्मेल्टर में या अन्य जिंक में आपने देखा होगा कि ये पेट्रोलियम का फ्यूल होता है जो कि बहुत बड़ा पॉल्यूशन करता है, 10-20 या 25 किलोमीटर के बाद वो जिस गाँव के एरिया में गिरता है वहाँ पूरा बंजर हो जाता है, वहाँ पर कोई खेती नहीं होती है। क्योंकि इसकी एक विशेषता यह है कि सबसे बड़ी विशेषता कि ये लकड़ियाँ ही इसका वुडन फ्यूल है इसका, तो लकड़ी से ही यहाँ पर जो है मतलब ईंधन का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी को ईंधन के रूप में। तो जिसके कोई आप चिमनी देख सकते हैं, नाम मात्र का धुआं है और किसी भी प्रकार से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। धन्यवाद। चलिए जी, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सौपखाल से 2 किलोमीटर आगे और यहाँ पर देखिए सेब के बगीचे बहुत शानदार से देखने को मिल रहे हैं और इस गाँव का नाम है सिली और यहाँ के स्थानीय लोगों ने देखिए किस तरह से सेब के बगीचे यहाँ पर लगा रखे हैं। और पहाड़ों में ये भी एक स्वरोज़गार का एक तरीका हो सकता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर सेब की खेती कर रखी है। चले जी, यहाँ पर सिली गांव में खूब सारे सेब के बागान देखने को मिल रहे हैं और लगता है स्थानीय लोगों ने अपने इस सेब के बागान को ही एक प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर रोज़गार को डेवलप कर रखा है। तो कहीं ना कहीं यह एक अच्छी मुहिम है और अच्छा जरिया है स्वरोजगार को यहाँ पर डेवलप करने का। चले जी, चलते हैं सेब के बागानों की तरफ। चले जी, हम आ गए हैं सेब के बगीचों की तरफ को और यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने पहले मना किया, तो हमने उन्हें बताया कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं और इस तरफ को घूमने के लिए आ रखे हैं।
तो उन्होंने आसानी से हमें जाने दिया। और पीछे से आ रहे हैं नेगी जी, और यही के एक स्थानीय हैं, कोई भाई साहब हैं, वो मिल गए हैं। आपका सुन नाम भैया? अच्छा, चलिए। तो पोखरियाल जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और उनसे जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में थोड़ा सा। और काफ़ी खूबसूरत सी लोकेशन है, देखिए चारों तरफ बहुत अच्छी खेती कर रखी है यहाँ के लोगों ने। नमस्ते अम्मा। अम्मा आपको परेशान कर दिया, ये मत मार, फांग रहा मैं। ठीक है। चलिए जी, पहुंच चुके हैं सेब के बागान के बहुत ही करीब में, और यहाँ पर देखिए धान की खेती भी हो रखी है, और अभी हम धान के खेतों पर ही हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत सी लोकेशन देखने को मिल रही है, देखिए चारों तरफ बहुत सुंदर सा नज़ारा है। बाकी सर भी मिल गए हैं, और सर ने बताया कि सर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही हैं, तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर से मिल के, पोखरियाल जी। और पीछे से आ रहे हैं नेगी जी हमारे। आराम वाला देखिए, यहाँ पर जो बगीचे की लंबाई है वो बहुत आगे तक है, और देखिए अच्छे खासे यहाँ पर सेब भी हो रखे हैं, और बिल्कुल ब्लैक कलर का सेब देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और इस तरफ भी देखिए आप, थोड़ा नज़दीक लेके जाऊँगा कैमरे को, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रखे हैं सेब। चले जी, हम आ गए हैं जमरिया गांव में, और यहां पर देख सकते हैं पीछे काफ़ी खूबसूरत से सेब के बागान लगा रखे हैं, जो कि उत्तराखंड में स्वरोजगार का एक बहुत अच्छा जरिया है। तो पीछे जो बागान आप देख रहे हैं, उनके जो मालिक हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, तो उनसे जानकारी लेंगे इस बगीचे के बारे में। तो सर सबसे पहले आपको नमस्कार, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह। सर को फिर बताइए कुछ बगीचे के बारे में, किस तरह से आपने स्वरोजगार यहाँ पर डेवलप कर रखा है, कौन कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है, किस तरह से इनकम हो जाती है? यम नाम, यम 13, यम 121, और उसमें क्या है कि बड़ी प्रोग्रेस है, और काम करना पड़ता है, मेहनत के बाद ही काम हो रहा है। ठीक, इसमें यम नाम में क्या है, ये वैरायटी हमारी, ठीक, इसको लाल सेब कहते हैं, लोग इसमें आकर्षित हो रहे हैं, इस सेब में खूब बिक रहा है, ये काम चल रहा है। तो जो मंडी है कहाँ पे सप्लाई होता है आपका ये? हल्द्वानी। अच्छा, नज़दीकी मंडी वही है? हाँ, नज़दीक मंडी वही है। फिलहाल लोकल में सेब जा रहा है। आपको कितना टाइम हो गया लगभग ये काम करते हुए? 30 साल हो गया। 30 साल से कहो, मतलब कोई टेंशन? अरे बड़ी मेहनत है, मतलब आज के डेट में हमारे गाँव में करीब 4-5 बगीचे हैं, कोई मेहनत करते नहीं। अच्छा, ठीक, और मेहनत करे जो उसको मिलेगा। सही बात है, उसकी व्यवस्था बनेगी। ये चल रहा है काम, मतलब बड़ी घर से, और सेब भी तो बड़ी चल रही है, शायद हमने कोटद्वार, बम्बई, दिल्ली सब जगह भेजे से गिफ्ट पीस। अच्छा, गिफ्ट पीस? हाँ, चलिए बहुत अच्छा। सेब के साथ हम और फ्री में देते हैं, ये सेब कीमत दे जाओ और फ्री में जाओ, ये चल रहा है आजकल। चले जी, यहाँ पर बगीचे के जो ताई जी मालकिन हैं, ताई जी यहाँ पर हमें मिली हैं, तो वो भी यहाँ पर ताऊ जी के साथ मिलकर सहयोग करती हैं इस बगीचे के जितना भी काम होता है, तो उनसे ही जानकारी लेते हैं। तो बताओ फिर कुछ इसके बारे में। नमस्कार, मैं जसोदा देवी ग्राम सभा सीली मली से बोल रही हूँ। मैंने एक परमिशन लगा रखा है, जिसमें मैं पूरा उसके सहयोग से पूरा काम करती रहती हूँ, और
उसमें निलाई गुड़ाई और उसमें खाद बीज हर चीज़ बोने का भी मैं खुद काम करती हूँ। जब हमने एप्पल का मिशन लगाया 4 साल हो गए, तो 2-3 साल से वो फल दे रहा है और हमें अच्छा लाभ मिल रहा है उससे, क्यों हमारा स्वरोजगार वही है। बाकी हम सेब के अलावा उसमें मिर्च बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं और सब्जी लगाते हैं, कभी आलू लगाते हैं, कभी गोभी लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं। अपना पूरा मतलब स्वरोजगार बना रखा मैंने, मुझे तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी सब्जी हम खरीद कर नहीं लेते हैं, अपने खेत से सब कुछ होता है हमारा। चलो ठीक है सर, ओके ठीक है। चले जी, मातृशक्ति ने भी अपना जो मेहनत है उसका परिचय यहाँ पे दिया है। बाकी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग थे उन्होंने भी यहाँ के बगीचे के बारे में बताया और बहुत व्यवहार कुशल लोग यहाँ पे देखने को मिले हैं। और बाकी नेगी जी को भी यहाँ पे आके आज बहुत अच्छा लगा, तो नेगी जी से जानकारी लूँगा। तो बताओ सर, नेगी जी कैसा लगा आपको यहाँ पे पहले स्वरोजगार के? मैंने सोनवाल जी, मैंने जो यहाँ पे देखा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आड़ू के हो रहे हैं, यहाँ पे जो है वो झिंगारू के भी पेड़ मुझे दिख रहे हैं और यहाँ का तापमान सेब के लिए बहुत बढ़िया है। और इस मेरे को ये लगा, ये जो जमरिया सीली मल्ली ग्राम सभा जमरिया जो है, यहाँ पे 0% प्लान है, यानी कि 100% आदमी यहाँ का अपने गांव में है और वो जो है बेहतरीन प्रयास कर रहा है। और बाज़ार से कोई सब्जी ये ठीक देख, अब सामने देखिए झुंगरा हो रहा है, कोणी हो रहा है, मड़ुआ हो रहा है, तो तमाम ये जो मिलेट्स योजना जिसको कहते हैं, मिलेट्स जो कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया लगा और काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्वरोजगार डेवलप हो रहा है। तो हम आ चुके हैं पॉली हाउस के अंदर और यहाँ पर पूरे टमाटर के पौधे लगा रखे हैं और देखिए बहुत अच्छे यहाँ पर टमाटर हुए भी हैं। चले जी, पॉली हाउस के अंदर ज़्यादा घूमना ठीक भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनको नुकसान भी हो सकता है, तो चलते हैं यहाँ से। चले जी, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जमरिया गांव में आकर बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत व्यवहार कुशल हैं और यहाँ पर आकर जो सेब के बगीचे हैं और स्वरोजगार का जो एक मुहिम यहाँ के लोगों ने चला रखी है, और इनको देखकर वास्तव में बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।